अगर आपका सैमसंग गैलेक्सी A32 फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे सही कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में चले जाइए अपने फ़ोन की, और एक बार ध्यान रखें कहीं आपके फ़ोन की बैटरी तो ख़राब नहीं हो गई है, वो एक बार चेक कर लें, ठीक है। अब अगर बैटरी भी सही है फिर भी हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है ऑटो ऑटो रीस्टार्ट। आप आधा भी लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। और ध्यान रहे कहीं आपका ये ऑन तो नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑटो रीस्टार्ट यहाँ पर ये ऑन कर देते हैं तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक यहाँ पर रीस्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ऑटोमेटिक ऑफ़ होता है, तो ये आपका ऑफ़ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये ऑफ़ है फिर भी आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर चेक कर लीजिए कोई अपडेट तो नहीं आया, अगर आया है तो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर सर्च पे आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है रीसेट, और यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी आपका डेटा डिलीट नहीं होने वाला है तो बेफिक्र रहिए। अब आपको यहाँ पर रीसेट सेटिंग्स पर आ जाना है और यहाँ से आपको रीसेट सेटिंग्स कर देना है। डरना नहीं है, यहाँ पर आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, बेफिक्र होकर यहाँ से आप कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर देखिए अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है आपकी बैटरी पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर या मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर जाना होगा, वो आपसे कुछ 400 से 500 रुपये लेंगे बनाने का। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।